ए व्हाट्सअप गाइड्स, मेरे वाली वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी ऑफिसर। कैसे हो दोस्तों? आपके लिए एक और नई धमाकेदार अनबॉक्सिंग नोट 11 के बाद रेडमी का नोट 11 एस फाइनली आ चुका है गाइस। सो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसमें क्या कुछ नया मिलने वाला है। अगर चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और हाँ अपना प्यार दिखाइए गाइस, जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ताकि हमारी इसी तरह से नई नई वीडियो आती रहे गाइस। और आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमें नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली गाइस, रेडमी का नोट 11 है हमारे पास आ चुका है। सो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से ये कट हो चुका है। नाउ टाइम टू स्टार्ट ओपन द बॉक्स। आप देख सकते हो पावर्ड बाय रेडमी, सम डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल आपको मिल जाएगा गाइस, एंड सम डॉक्यूमेंटेशन। काफ़ी पतला डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है। केस कवर गाइस, केस कवर की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, केस कवर किस क्वालिटी का मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस कवर आपको मिलना है नोट 11 एस के बॉक्स में गाइस। और साइड आप देख सकते हो काफ़ी फ्लैट है, इट्स मीन काफ़ी फ्लैट साइड मिलने वाला है बॉक्स के अंदर। सो उसको रखते हैं साइड में। ये रहा हमारा फ़ोन, इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स में और क्या कुछ मिलने वाला है। ये रहा हमारा चार्जर गाइस, 33 वॉट का आपको चार्जिंग मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो 33 वॉट का चार्जिंग आपको मिलने वाला है बॉक्स के अंदर। एंड टाइप सी यूएसबी केबल आपको मिलने वाला है। सो लेट्स कीप असाइड, सबको साइड में रख करके चलते अपने फ़ोन की तरफ। गाइस आप देख सकते हो रेडमी नोट 11 एस, ये आप देख सकते हो इसका ये ग्रेफाइट ग्रे कलर है गाइस। सो ये बिल्कुल नोट 11 एक्स के डिज़ाइन की तरह बना हुआ गाइस। नोट 11 का जो मॉडल इसका आया हुआ था ठीक उसी तरह डिज़ाइन दिया हुआ, दिखने में भी वही लग रहा है गाइस। साइड आप देख सकते हो, साइड आपको काफ़ी फ्लैट दिखाई दे रहा होगा। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस, डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है नोट 11 एस का। बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। सो आप देख सकते हो नीचे के साइड में आपको स्पीकर ग्रिल दिखाई दे रहा होगा, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ गाइस। एंड साइड की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम बटन दिया हुआ प्लस एंड माइनस, ठीक उसके नीचे पावर लॉक बटन आपको मिल जाएगा जो कि आ रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ में गाइस। एंड ऊपर की अगर मैं बात करूँ गाइस तो ऊपर आपको 3.5 mm जैक आ रहा है इस फोन में, स्पीकर ग्रिल दिया हुआ ऊपर के साइड में, एंड गाइस IR ब्लास्टर दिया हुआ है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन दिया हुआ गाइस। एंड लेफ्ट साइड में इसका सिम ट्रे दिया हुआ गाइस। सो सिम ट्रे हम चेक कर लेते हैं ओपन करके, सिम ट्रे में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। सो सिम ट्रे हम यहाँ से चेक कर लेते हैं गाइस। अब ये देख रहे होंगे आपको एक रबड़ की कोटिंग दिखाई दे रही होगी जो कि IP53 की रेटिंग दी हुई है, ताकि आपको डस्ट और वाटर ड्रॉप से जो आपको रेजिस्टेंस करेगा ये। और सिम ट्रे की अगर मैं बात करूँ गाइस तो दो नैनो सिम कार्ड के साथ एक एक्स्ट्रा डेडिकेटेड स्लॉट लगा सकते हो। सो ये हो गई बात बाहर की गाइस। सो कैसा लगा रेडमी नोट 11 एस आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए इसके अंदर की तरफ देखते हैं हमें क्या कुछ मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइस तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। फाइनली गाइस रेडमी नोट 11 एस का अनबॉक्सिंग हो चुका है। सो आपको दिखाई तो दे रहा होगा गाइस रेडमी नोट 11 एस बिल्कुल सेम गाइस रेडमी नोट 11 की तरह दिख रहा है। सो कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दिया डिजाइन में गाइस। रेडमी नोट 11 एस का भी वीडियो हमने बनाया हुआ गाइस, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो। बात कर लेते गाइस इसके डिस्प्ले साइज की। रेडमी नोट 11 एस में गाइस आपको मिलने वाला 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो क्या है AMOLED डिस्प्ले के साथ में 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में गाइस। बात कर लेते गाइस इस फोन में आने वाले कैमरे की। सो पीछे के साइड में आपको चार कैमरे मिलने वाला गाइस रेडमी नोट 11 एस में। प्राइमरी कैमरा गाइस जो आपको मिलने वाला है 108 MP का मिलने वाला है, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड मिलने वाला है, 2 MP का आपको डेप्थ लेंस मिलने वाला है, 2 MP का आपको माइक्रो लेंस मिलने वाला है गाइस। सो हमने इस फोन का कैमरा चेक किया गाइस, कुछ फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गाइस फोटो आपको कैसी लग रही गाइस। बात कर लेते गाइस इस फोन में आने वाले फ्रंट कैमरे की। सो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 16 MP का कैमरा जो की रेडमी नोट 11 एस में आपको मिलने वाला है। इसका भी कैमरा हमने चेक किया हुआ फ्रंट का गाइस, तो फ्रंट से
कुछ पिक्चर क्लिक की हुई आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, स्क्रीन पे फोटो आपको दिखाई दे रही है, आपको फोटो कैसी लग रही है। बात कर लेते हैं इस फोन में आने वाले प्रोसेसर की। Redmi Note 11s में गाइज आपको मिलने वाला है MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर, जो कह रहा है 12 नैनोमीटर के बेस के साथ में गाइज, तो अच्छा खासा प्रोसेसर आपको दिया हुआ गाइज। इससे पहले जो Redmi Note 11 था गाइज उसमें आपको G80 का प्रोसेसर मिल रहा था, कंपनी ने इस फोन में दे दिया आपको G96 का प्रोसेसर। जी हाँ, वो गाइज 6 नैनोमीटर के बेस के साथ में आ रहा था Redmi Note 11, एंड ये 12 नैनोमीटर के बेस के साथ में आ रहा है। बात कर लेते हैं इस फोन में आने वाले बैटरी बैकअप की। 5000 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है Redmi Note 11s में, एंड बॉक्स में गाइज आपको 33W का फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है। अगर मैं वेरिएंट की बात करूं गाइज, तो 3 वेरिएंट मिलने वाले Redmi Note 11s में गाइज, 6GB रैम 64GB, 6GB रैम 128GB एंड 8GB रैम 128GB। अगर प्राइस रेंज की बात करूं गाइज, तो 6GB रैम 64GB आपको मिलने वाला 16,499 रुपीज, 6GB रैम 128GB आपको मिलने वाला 17,499 रुपीज, एंड 8GB रैम 128GB आपको मिलने वाला गाइज 18,499 रुपीज। गाइज प्राइस रेंज काफी ज्यादा लगा गाइस अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आपको ये फोन अच्छा लग रहा हो गाइस, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूले, वहां पे इसका एड्रेस मेंशन किया और कहां से आप ये फोन घर मंगा सकते हो उसका एड्रेस और नंबर मेंशन किया हुआ डिस्क्रिप्शन में गाइस। जल्दी से जाइए फोन को घर मंगाइए गाइस। बात कर लेते हैं इसमें आने वाले स्टोरेज टाइप की, तो LPDDR4X रैम के साथ में गाइस ये फोन आ रहा है UFS 2.2 के साथ में। जी हाँ, एंड साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट आपको मिल रहा है गाइस इस फोन में। सो कैसी लगा अनबॉक्सिंग गाइस, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।